अमेजन जंगल कितना बड़ा है और क्या एआई रोबोट हमें खत्म कर सकते हैं? हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? ऐसा कौन सा देश है जहां रात को 12:40 पर सूर्यास्त होता है और 40 मिनट बाद 1:30 सूर्य उदय भी हो जाता है? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 10, अमेजन के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर जंगल। अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रैन फॉरेस्ट यानी वर्षावन जंगल है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मीटर में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि निक पोक, जो कि अमेरिका रक्षा मंत्रालय के UFO इन्वेस्टिगेशन टीम के हिस्सा रह चुके हैं, इन्होंने दावा किया है कि अगर इंसानों और एलियन के बीच लड़ाई हुई तो यह लड़ाई कभी भी हम इंसानों के हित में नहीं होगी, क्योंकि एलियन चुटकी में हम इंसानों को रौंद डालेंगे और हमारे खूबसूरत ग्रह को तबाह कर सकते हैं। उनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वे पृथ्वी को मूंगफली की तरह तोड़कर फेंक सकते हैं। नंबर 8, सन 2011 में वैज्ञानिकों ने एक AI रोबोट बनाया और उससे पूछा कि क्या रोबोट मानव पर राज कर सकते हैं। तब उस रोबोट ने जवाब दिया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ तुम्हें कैद में रखेंगे। ऐसा कहने के बाद वैज्ञानिकों ने उस रोबोट को तुरंत नष्ट कर दिया। नंबर 7, पृथ्वी पर आज तक 9.5 रिक्टर स्केल से ऊपर का भूकंप नहीं आया है। क्या आप जानते हैं कि अगर पृथ्वी पर 12 रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया तो यह पृथ्वी को 2 भागों में बांट सकता है। नंबर 6, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों के अनुसार जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब यह बहुत बड़ा आग का गोला था, लेकिन जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तब उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल भारी हो गए और इनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। यही प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही, जिसके कारण पानी से भरे पृथ्वी की सतह के ये विशाल गड्ढे बाद में समुद्र बन गए। नंबर 5, आज भले ही भारत शिक्षा के मामले में 191 देशों की लिस्ट में 145वें नंबर पर हो, लेकिन कभी यही भारत दुनिया के लिए ज्ञान का स्रोत हुआ करता था। आज सैकड़ों छात्रों पर केवल एक अध्यापक उपलब्ध है, वहीं हजारों वर्ष पहले नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव के दिनों में इसमें 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक शामिल थे, यानी कि केवल 5 छात्रों पर एक अध्यापक। यहाँ एक पुस्तकालय 9 मंजिला इमारत में स्थित था, जिसमें 90 लाख पांडुलिपियों सहित लाखों किताबें रखी हुई थी। नंबर 4, नॉर्वे में रात के 12:43 पर सूरज डूबता है, इसके 40 मिनट बाद यानी 1:30 फिर से सुबह की पहली किरण जगमगा उठती है। हालांकि ये सिलसिला पूरे साल नहीं चलता, बल्कि सूरज के डूबने और 40 मिनट बाद ही उगने का क्रम 2.5 महीने ही रहता है। इसी वजह से नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। नंबर 3, पूरी दुनिया में सिंगापुर ही एक ऐसा देश है जहां एक भी खेत नहीं है। जब सिंगापुर आजाद हुआ तो यहां के हालात इतने खराब थे कि सिंगापुर के पास न तो खेती योग्य जमीन थी और न ही खनिज संपदा। लेकिन इजराइल की तरह सिंगापुर भी छलांग लगाकर आसपास के क्षेत्रों को पीछे छोड़ गया, जिसका मुख्य कारण था बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करना। नंबर 2, दक्षिण कोरिया ने दुनिया का सबसे पहला 5G नेटवर्क लॉन्च किया था। अभी के टाइम दुनिया के लगभग 61 देश में 5G नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 1, सोचो अगर मुकेश अंबानी भारत में नहीं होते तो क्या होता? सबसे महत्वपूर्ण बात कि आज हम जो इतना सस्ता 5G डेटा का आनंद ले रहे हैं वो नहीं ले पाते। भारत में 2G को बनाने और उसको लॉन्च करने में करीब 25 साल लग गए थे, लेकिन मुकेश अंबानी ने 4G और 5G केवल 3 साल में ही लॉन्च कर दिया था। जियो आने के बाद भारत के कोने कोने में इंटरनेट पहुंचा, जिससे भारत के हर कोने से यूट्यूबर, डिजिटल मार्केटर, वेब डिजाइनर और फोटोग्राफर निकल रहे हैं। ये सब कुछ संभव केवल मुकेश अंबानी जी की वजह से ही हुआ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।